उपस्थित जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, क्षमा कर दो आप लोगों, मैं गुजराती न बदले हिंदी में बोलू पड़े से, बहुत से लोग बाहर से आए हुए हैं पर प्रांत से, तो उन लोगों को गुजराती नहीं समझ में आती है, इसलिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है। कुछ लोग बाहर से, पंजाब से, बम्बे से, दिल्ली से, इसी जगह से आए हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। पूनम पूनम को आप लोगों की हाजिरी यहाँ होती है। अभी बहुत से लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। दत्तात्रेय महाराज जब मुझे मिले रहे तो बोले रहे कि ये यहाँ मैं प्रकट हो रहा हूँ, ये जगह मेरी है, यहाँ मैं रहूँगा, 984 सिद्ध भी यहाँ रहेंगे, हमेशा हाजिर रहते हैं, यहाँ जो कोई भी आएगा उनको शांति मिलेगी, ध्यान लगेगा और भौतिक इच्छाएं में भी मदद होगी, हमको सब बात खोल कर नहीं बताए रहे। इस बात को मैं आज तक बोला नहीं, खाली 4-6 महीने से ये बात मैं कहीं चर्चा कर दिया तो बहुत से लोगों को ख्याल आया, तो बहुत से लोग यहाँ आने लगे और बहुत लोगों को ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे आप लोगों से खबर पड़ता है तो आप लोगों को भी कभी कभी मैं गुरु ही मानता हूँ कि बहुत सा बोध आप लोग मुझे दे जाते हो। मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि सदगुरु क्या क्या दे जाते हैं, और यहाँ आने से सबको अच्छा रहेगा, इच्छाएं भी पूरी होती हैं और कामनाएं भी ठीक होती हैं। मुझे ये सब ख्याल नहीं रहा, मैं बोलता नहीं रहा, इसलिए कैसे बोलूं कि आने से आप लोगों को मनोकामना पूरी होती है, इच्छाएं पूरी होती है, भौतिक आध्यात्मिक उन्नति होती है, ये बोलूं तो कहीं ये न समझ में आ जाए कि ये बोलकर महाराज भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। इसलिए मैं 71-72 से भजन कर रहा हूँ, 75 में सदगुरु मिले हैं और 75 से मुझे सब खबर है, फिर भी आज तक किसी को कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे बहुत भीड़ इकट्ठा करके उजाना नहीं है। मुझे किसी भाई बहन से कुछ पैसा नहीं मांगना है, मैं कुछ चाहता नहीं हूँ, मात्र कल्याण चाहता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति हो यहाँ आए और वो मंत्र करे, उसको ध्यान लगे, उसका मंगल हो, कल्याण हो। इसके सिवाय आज तक के आश्रम कहीं भी कुछ किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखा है, फंड फाला नहीं किया है वगैरह वगैरह। आप लोगों को जाहिरात नहीं मैं करता हूँ, लेकिन अभी अपने आप होता जा रहा है तो भगवान की इच्छा, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों का मंगल सोचता हूँ, कल्याण सोचता हूँ और आप लोग सही मार्ग में चले हैं, आप लोगों की आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं क्रमशः पूरी हों। भौतिक इच्छाएं पूरी होते होते आपकी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति हो, आपको समझ में आए कि आप क्यों जन्मे हो, क्यों जगत में आए हो और कहाँ जाना है और कहाँ जा रहे हो, आपको अपने मूल स्वरूप का ज्ञान रहे, इसके लिए मेरा प्रयास रहता है, इसीलिए बारंबार मैं ध्यान कराता हूँ कि आप लोग ध्यान में बैठ करके पहले संकल्प करना कि मुझे मानसिक शांति मिले। केवल प्रवचन सुनने से मानसिक शांति नहीं मिलती है और पुस्तक पढ़ने से भी मानसिक शांति नहीं मिलती है, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक स्वानुभव न हो, आपको अनुभूति न हो, तब तक मानसिक शांति लगती नहीं है। ये बात सही है, हमको कुछ ज्ञान होगा, कुछ अंदर हमको अनुभूति हुई, बहुत शांति मिली, जब आपको ऐसा होगा तब आप मानोगे। बाकी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी आप लोग हैं, बहुत से पुस्तकें पढ़ गए हैं,
बहुत से प्रवचन सुने हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप लोग जब अनुभव करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि ये दत्तात्रेय महाराज ने क्या दिया है। मैं लास्ट में बोलूंगा, लेकिन मैंने दत्तात्रेय महाराज जब मिले यही मांगा, इस विश्व में मानसिक शांति किसी को नहीं मिलती है, ऐसे लोग प्रयत्नशील है। ज्यादा समृद्धि आपको मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो भी मानसिक शांति नहीं मिलती है। सब कुछ मिल जाए भौतिक, तो भी मन अशांत रहता है, क्योंकि कुछ कमी रहती है। ये मन कुछ चाहता है जिसके कारण को अशांति रहती है। समृद्धि आ गई तो कोई व्याधि है, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, घर में सब कुछ हो गया फिर भी कोई चिंता रहती है। इन चिंताओं के पास समाधान नहीं है। एक सॉल्व होगा तो दूसरी खड़ी रहेगी, वो गया तो तीसरी खड़ी रहेगी। तो जगत में जो है कभी भी सबकी इच्छाएं पूरी हुई नहीं है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। अजबोपति के वो खजबोपति बन जाओ फिर भी कुछ अशांति तो मन में है, जो कि आपको खबर नहीं पड़ती मुझे क्या चाहिए। कुछ कमी अंदर है जिसको आप ढूंढा करते हो। कदाचित आपको कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो भी मानसिक शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक गुरु महाराज आपको कुछ अनुभूति न कराए, आपको अंतर समाधान न हो तब तक अशांति रहेगी। एक बार इसीलिए मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जब यहां रहो, घर पर जाओ, जब कभी पूजा स्थान में बैठो तो मात्र फूल अगरबत्ती चढ़ा करके, धूप बढ़ा करके, पके लग करके धंधे में जाओ। 15-20 मिनट काढ़ो, अपने इष्ट देव से, अपने मालिक से बोलो कि प्रभु मुझे मानसिक शांति मिले, ऐसा कुछ मार्गदर्शन दो। आप केवल मूर्ति नहीं हो, केवल फोटा नहीं हो, मैं आपको इष्ट देव समझ करके, भगवान समझ कर पूजन करता हूँ और धूप दीप बताता हूँ, तो आप मुझे कुछ गाइड करो कि मैं सही रास्ते जा रहा हूँ कि नहीं, कुछ भूल तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ मेरे अगर खामी तो नहीं है। आप भगवान से पूछो और 15-20 मिनट ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठो तो आपको ध्यान करने सबको आता नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाए और ध्यान कहते किसको है। ध्यान आंख बंद करके बैठ गए उसको भी नहीं ध्यान करते कहते हैं, और आप थोड़ी देर ध्यान में बैठो और गायब हो गए, खबर नहीं पड़ी, वो भी पूर्ण ध्यान नहीं है। आप ध्यान में बैठे और आपको आपका इष्ट देव दिखाई पड़ा, कुल देवी कुल देवता दिखाई पड़े, माँ दिखाई पड़ी, तो भी मत समझना कि मेरा ध्यान ठीक है, पूरा हो गया। ये तो आपके चित्त पृष्ठ के ऊपर जो इच्छाएं हैं, जिस स्वरूप में ईश्वर को मान रखे हो वो पिक्चर आपके सामने आया, वो ध्यान नहीं है, सच्चा ध्यान नहीं है। और जब यही नहीं समझना कि हमको मेरे इष्ट देव दिखाई पड़ गए, भरत हस्त लिए खड़े हैं और कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, तो भी काम पूरा नहीं होता। वो एक सुपर साइंस है, डीप विज्ञान है ये।